आज आप सबको पढ़ाने वाले हैं, है ना, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, इस नियम के अंदर सबसे पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं भैया? ठीक है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, जिसके बारे में आज पढ़ाने वाले आप सबको, है ना, ये कैसा नियम है? ठीक, अभी तक आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया था वो सब सिंपल सी बात ये भैया कि आज पढ़ाने वाले आप सबको द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देखिए तो ये इसको दिया किसने था, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यह नियम लेबोसियो है ना, लेबोसियो जो है एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या भैया, हाँ लेबोसियो ना, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1774 में, ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन किया, यानी कि इसको जो इन्होंने क्या किया था, दिया था। ठीक, यानी कि भैया इस नियम को देने वाले कौन थे, लेबोसी है ना। ठीक, किसमें दिए थे, 1774 में, है ना। एक बात और, इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का भैया क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है ना, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, आगे इस नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं भैया, है ना। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे क्या है, नष्ट है ना, यानी कि किसी भी द्रव्य की बात करें अगर, है ना, तो ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको जो है मतलब नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नियम का सिंपल सा मतलब यही है कि इस नियम के अनुसार लेवोस्कियो ने बताया 1774 में कि भैया द्रव्य को यानी कि मैटर को यानी कि पदार्थ को, ठीक है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में, कैसे देखिए, है ना, आगे यहां बोला जा रहा है, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस को मिलाने के बाद जो जल बनता है, वो एक प्रक्रिया जो होती है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, वो भी क्या है, एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं ना, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके अंदर उत्पाद यानी कि भैया जो चीज बनती है, ठीक है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ना, प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद का संपूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब भैया आपको बताया गया था ना, मास। ठीक है, यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है ना, यानी कि उत्पाद का संपूर्ण द्रव्यमान है ना, तथा अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक जो यानी कि रिएक्टेंट है ना, या फिर रिएजेंट है ना। ठीक, तो उत्पादों का यहाँ पे क्या नाम है, संपूर्ण द्रव्यमान, और अभिकारकों के संपूर्ण द्रव्यमान, यानी कि दोनों का जो द्रव्यमान रहेगा ना, वो भैया क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, जब यहाँ पे नियम में आपको बताया गया है ना कि किसी भी पदार्थ के अंदर उसके द्रव्य को हम ना तो उत्पन्न कर सकते, सॉरी किसी भी द्रव्य के द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ध्यान से देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान अभिकारकों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, आगे दिया गया इसी नियम के अनुसार है ना, यहाँ पे अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के, जो हमने यहाँ पे आपको इस लाइन में समझाया वो यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो अभिकारकों यानी कि भैया अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा ना हमने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, HGO जो है यहाँ पे क्या है, अभिकारक है। ठीक, और अभिक्रिया में बनने वाले, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया होने के बाद जो चीज बनती है यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में, यानी कि रिएजेंट या रिएक्टेंट यहाँ पे जो अभिक्रिया कर रहे हैं और यहाँ पे जो बन रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो उदाहरण में देखिए क्या हो रहा है ना, जब 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम जब देखिएगा, ठीक है, जब 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को एक बंद परख नली या फिर एक बंद नली है ना, एक बंद नली में लेकर गर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि भैया अगर हम 100 ग्राम
मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेकर के किसी नली में गर्म करते हैं, ठीक है, ठीके? जैसे एक पर्क नली होती है ना ऐसे, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही है। इस तरह की जो परकुंडलियां होती हैं, इसी की बात कर रहे हैं कि यहां बोला जा रहा है एक इतनी बड़ी नली है कि उसके अंदर 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ जाए, है ना, तो उसको वो नली फिर बाद में क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम बंद नहीं लेंगे तो हो सकता है वहां से ऑक्सीजन गैस उड़ जाए, ठीक है, या निकल जाए ना वहां से, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बंद नली को लेना है और 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड उसमें रखना है, ठीक। रख करके हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे यानी कि गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करने पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो टूट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 92.6 ग्राम मरकरी बनता है, यानी कि पारा। अरे पारा जानते नहीं भैया? पारा का मतलब होता है जो डॉक्टर लोग थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं ना, डिजिटल वाला, ठीक है, डिजिटल नहीं, सॉरी सॉरी, पहले वाला, ठीक है, जो पहले आता था उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर मरकरी ऐसे करके बना होता था ना, वो क्या नाम है, थर्मोमीटर, ठीक है, तो यही वाले के अंदर इसमें पारा डाला होता था, या फिर जो बीपी की मशीन होती है ना उसके अंदर भी पारा भरा होता है, ठीक है, क्या मरकरी भरा होता है, और 7.4 यानी कि 7.4 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें प्राप्त होती है ना, ठीक, यानी कि बनती हैं। तो बोला गया भैया कि जब 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम एक बंद नली में लेकर गर्म करते हैं, ठीक है, तब हमको 92.6 ग्राम मरकरी तथा 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये आपकी रिएक्शन है यानी कि अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जा रहा है ना। जब कभी भी किसी भी अभिक्रिया के ऊपर ऐसे डेल्टा का चिन्ह बना रहे या सिंबल बना रहे, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसका मतलब भैया कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ, तो देखो यहाँ पे HGO को हमने गर्म किया, यहाँ पे बन गया HG, अलग हो गया, और O2 अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो कभी भी परमाणु अवस्था में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे O2 लिखा गया है, अन्यथा हम यहाँ पे O लिखते केवल, ठीक है, यहाँ पे O2 रहेगा, क्योंकि भैया कभी भी ऑक्सीजन गैस का जो परमाणु है वो अकेले नहीं होता, ठीक, यानी कि वो अणु के फॉर्म में रहता है, अणु के रूप में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस पूरी अभिक्रिया को पहले हम बराबर करेंगे यानी कि बैलेंस करेंगे, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ा 2 और यहाँ भी लिखना पड़ा 2, ठीक है। जब यहाँ पे 2 HgO है तभी तो यहाँ पे देखिएगा बराबर हो पाएगा ना, 2 ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, यहाँ भी देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी देखिए 2 HG है, यहाँ भी 2 HG है, ठीक, पूरी अभिक्रिया बराबर हो गई है ना, उधर भी और इधर भी। तो अब यहाँ पे जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है जो हमने 100 ग्राम लिया है ना, वहां पे देखिएगा, वहां से लेने के बाद यहाँ इस तरफ जो उत्पाद है इसमें देखिए 92.6 ग्राम क्या बन रहा है, मरकरी बन रहा है, और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस बन रही है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में ना, तो हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है, और यहाँ जो 100 ग्राम आएगा ये पूरा का पूरा क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अगर हम इसको उसके बराबर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नियम यही बताता है कि चाहे वो अभिकारक हो, है ना, किसी भी अभिक्रिया में उपयोग होने वाला अभिकारक या भाग लेने वाला अभिकारक की जो मात्रा रहेगी यानी कि 100 ग्राम, ठीक है, वो उत्पाद की मात्रा के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि हर एक द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, ठीक है, बस क्या होता है कि उनकी जो मात्रा होती है सेम रहेगी, है ना, बस उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है उनके कॉम्बिनेशन में, ठीक है, बदलाव हो जाता है कि वो जो चीज रहेगी उससे थोड़ा कुछ अलग बन जाता है, ठीक है, पर उनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। आई वासन में ठीक।